देश का सबसे बड़ा नुकसान इन दो पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया है। और कैसे किया मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले और किसान होते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के युवाओं को करोड़ों रोजगार देते हैं। सही बात, सही बात। अब सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये दो पॉलिसियां लागू की, और इन दो पॉलिसीज से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मैं एक टेक्निकल शब्द प्रयोग करूंगा, उनको समझ आ जाएगी बात, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया। देखो ऐसे कर रहे हैं, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया, मतलब उनके गले को घोट दिया। क्योंकि अगर छोटे व्यापारी का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले का आप कैश फ्लो बंद कर दो, एक महीना दो महीना बंद कर दो, वहीं का वहीं वो मर जाता है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों का कैश फ्लो एक महीना दो महीना छह महीना एक साल भी बंद कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का और नोटबंदी का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने का है। और जैसे ही इन्होंने यह काम किया, हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, खत्म। आप अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक एक बार फिर ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जब तक इनको फिर से जिंदा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी मदद नहीं की जाएगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है।